मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक दो चीजें नहीं कर रहे हैं। एक तो आई एम सेंडिंग माय ओन वीडियो फॉर द सेक ऑफ चेंज, क्योंकि मुझे एक लग रहा है कि हम लोगों का कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो रहा है, और दूसरी हम ये चीज क्या करेंगे, वी विल डील विद ग्रामर नाउ। ग्रामर में बेसिक जो है व्हाट इज इट, इट डील्स विद सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। आप सभी को टेंसेस प्लस टू तक करवाए गए हैं, राइट फ्रॉम एट्थ वी आर बीन डूइंग द सेम अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, लेकिन उसके साथ हमने वॉइस भी की है, नरेशन भी किया है, सब कुछ वी हैव ऑलरेडी डन। सो हम एक माइनर ब्रशिंग अप करेंगे, बट मैं आपको डिटेल में ही करवाऊंगी। तो व्हाई इज सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू वन थिंग। आप लोग ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इंग्लिश पढ़ी है, 100% ऑफ यू हैव गॉन थ्रू इंग्लिश, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, यू लर्न अ क्वेश्चन, यू राइट इट डाउन, व्हेन इट इज द क्वेश्चन ऑफ यू नो इवैल्यूएशन, जहाँ इवैल्यूएट होता है, पेपर चेक होता है, वहां पे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, यू फील लाइक कि मैंने तो सपोज 10 मार्क्स का क्वेश्चन किया था, लेकिन टीचर ने मुझे दो नंबर दिए हैं, टीचर ने मुझे आधा नंबर दिया है, एक दिया है, तो यू मस्ट नो कि मार्क्स डिडक्ट होने का या मार्क्स लेस आने का रीजन क्या है। लेट मी टेल यू द रीजन। रीजन क्या है कि आप लर्न करते हो, होल हार्टेडली लर्न करते हो, लेकिन उसको क्रैम करते हो, रट्टा लगाते हो, फिर क्या करते हो, उसको एज इट इज ही आप पेपर पे ले जाते हो, लेकिन जब आप पेपर पे लेके जाते हो तो आप क्या करते हो, आपकी कहीं कनेक्टर मिसिंग है, कहीं प्रेपोजिशन मिसिंग है, कहीं आर्टिकल मिसिंग है, और कई बार तो बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, जैसे टेंस मिस्टेक्स होती हैं। तो जब उन चीजों के रहते हम इवेल्युएट करते हैं पेपर को, तो जहां पे ये मिस्टेक्स दिखेंगी वहां मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जिन जिन क्लासेस में ये कॉमन वीडियो मैं बना रही हूँ आप लोगों को टेंसेस की नॉलेज के लिए, तो जिन क्लासेस में हमारी पोइम्स फिनिश हो चुकी हैं, वहां पे बच्चे क्या करेंगे, उस पोइम का समरी जो है उसको वो लर्न करेंगे, उसको राइट डाउन करेंगे, फिर उसको वो क्रॉस चेक करेंगे, अगेन लर्न करके राइट डाउन करके क्रॉस चेक करेंगे, आप अपनी मिस्टेक्स खुद देखोगे। किसी की जरूरत है ही नहीं, ना किसी को ये बताने की जरूरत है कि मेरे मार्क्स कम आते हैं, किसी को ये भी बताने की जरूरत नहीं कि मैंने क्वेश्चन लर्न किया, मैंने क्वेश्चन लिखा और कितनी जगह जो है मेरे रेड सर्कल लगे हैं या एनसर्कल हुआ है, गोले लगाए हैं, मैंने आपकी भाषा में बोलूं तो। आप लोग अपने आपको खुद इवेल्युएट करेंगे, और आज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो बेसिक है। हम लोग आज करेंगे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, जिसमें क्या है आपके बेसिक चीजें हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, इन चार चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके साथ हम करेंगे WH टाइप, क्योंकि अगर हमें सेंटेंस बनाने का पता है कि मेरी कौन सी चीज किस नंबर पे आएगी, किस जगह आएगी, तो मैं अपने आप को एक बेटर वे में प्रेजेंट कर पाऊंगी। मुझे क्वेश्चन आता है, सपोज मैंने वो चैप्टर पढ़ा है लेकिन मुझे वो क्वेश्चन लर्न नहीं है, इवन देन आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट, क्योंकि मुझे लिखना आता है। तो आज हम राइटिंग स्किल को डिवेलप करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको गाइडलाइन दूंगी और आप उस गाइडलाइन को फॉलो करोगे। स्लोली स्टेडीली हम लोग टेंसेस भी करेंगे, उसकी मैं आपको एक्सरसाइजेस दूंगी, और आप में से जो बच्चे विलिंग है, हु रियली वॉन्ट टू लर्न, वो लोग करेंगे, मुझे पता है, वो एफर्ट्स डालेंगे, और उनको अगर कहीं प्रॉब्लम होगी, कहीं भी कंस्ट्रक्शन में दिक्कत होगी, तो आप मुझे इंडिविजुअली कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि मेरे ग्रुप्स जो है आप लोगों के लिए खुले नहीं है। यू ट्राई टू कम्युनिकेट, लेकिन एडमिन मैं हूँ, ग्रुप में आप कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आप मेरे साथ इंडिविजुअली कम्युनिकेट करोगे, और आप में से जो बच्चे मेरे साथ कम्युनिकेट करेंगे 100% आई एश्योर यू आपको रिप्लाई आएगा। आज मेरी तरफ से एफर्ट लगेगा, लेकिन आपकी तरफ से वो ज्यादा एफर्ट लगेगा, बिकॉज मेरी ये चीजें क्लियर हैं, मैं आपको समझाऊंगी, और आपकी ये चीजें क्लियर नहीं है, आप उसको रिसीव करोगे कैसे, स्पंज की तरह एब्जॉर्ब करोगे, आप जैसे स्पंज को पानी में छोड़ते हैं वो सब कुछ एब्जॉर्ब करता है, इन द सेम वे आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है, क्योंकि आपको एक चीज का तो पता है, इंग्लिश का भूत पीछा नहीं छोड़ेगा, तो क्या करना है, हमें इस लैंग्वेज को उस लेवल तक लेके जाना है, चाहे मेरी पुलिस में भर्ती है, चाहे मुझे क्लेरिकल में जाना है, मुझे JBT में जाना है, मुझे कहीं भी जॉब करनी है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ ट्यूशन पढ़ानी है, मुझे ट्यूशन में ही पढ़ानी है, मुझे बस अपनी इंग्लिश को बेटर करना है, ताकि मुझसे कोई पूछे तो आई शुडंट फील एम्बैरस्ड, अशेम्ड, अरे मुझे तो आता नहीं है। सो व्हाट विल वी डू नाउ, वी विल स्टार्ट अ न्यू थिंग टुडे एंड आई एम सेंडिंग यू वीडियो। आप क्या करोगे, आप जस्ट इसके ऊपर वर्कआउट करोगे, कुछ ज्यादा काम नहीं है। इफ यू आर गिविंग 10-15 मिनट्स टुडे, 10-15 मिनट्स वुड बी इनफ। सो वी विल स्टार्ट नाउ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। लेट अस स्टार्ट विथ टेंस। वॉट इज अ टेंस? टेंस इज अ काल, टाइम, कौन कौन सा होता है, पास्ट, व्हाट्स एवर इज ओवर, मीन्स जो खत्म हो चुका है, जैसे कभी मैंने टेंथ किया था, मैंने प्लस टू किया था, आपके कंटेक्स्ट में बात कर रही हूँ। प्रेजेंट में मैं बीए फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, बीबीए फर्स्ट सेम या बीसीए फर्स्ट सेम में हूँ, ऑल फाइन। फ्यूचर में मैंने सेकेंड ईयर में जाना है या सेकेंड सेमेस्टर में जाना है। नाउ इट इज क्लियर टू यू। अब आपने क्या करना है, पास्ट के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं,
मैंने क्या किया क्या नहीं किया और क्या होने वाला था। प्रेजेंट में आपने रहना है और फ्यूचर की प्लानिंग आपने करनी है आप प्रेजेंट में रह के। सो लेट अस स्टार्ट आवर सेंटेंसेस। व्हाट इज अ सेंटेंस? बेसिकली सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में सब्जेक्ट कंसिस्ट, योर सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है डूअर, कर्ता, करने वाला हिंदी में। हेल्पिंग वर्ब जो आपकी है, थे, था, थी, ये सारे हेल्पिंग वर्ब। वर्ब होता है आपका एक्शन वर्ड, जैसे चलना, फिरना, घूमना, फिरना, खाना, पीना, ये सारे के सारे वर्ब्स हैं। और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप कैसे चल रहे हो। सो आई एम टेलिंग यू इन द सिंपलेस्ट वे, सबसे सिंपल वे में, आर यू, वी, दे, ही, शी, इट, एनी प्लूरल, एनी सिंगुलर, एटसेट्रा। प्लूरल इज मल्टीपल, जिसको आप बहुवचन बोलते हो, एंड सिंगुलर इज इट, ये बना है आपका सिंगल से। सिंगल मीन्स एक यूनिट, यानी कि एक वचन। हेल्पिंग वर्ब में आपका आता है इज, एम, आ, वॉज, वो, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, एटसेट्रा मैंने लगाया है, क्योंकि अगर कुछ छूटा है तो वो ऐड होगा। वर्ब आपके डिपेंड करता है सेंटेंस किस तरह का बना है, और ऑब्जेक्ट भी आपका उस पर डिपेंड करता है। सो व्हाट विल वी डू नाउ? चार टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं दे नो वेल, आप लोगों को आज बता रही हूँ। वन इज पॉजिटिव और एफर्मेटिव, जिसमें नेगेटिव नहीं होगा, ना नहीं होगी। उसमें क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट। बेटा सब्जेक्ट में आए उठाया हमने, जैसे ऊपर हमने आए का यूज किया था, आए को पिक किया। एम इज अ हेल्पिंग वर्ब, आए के साथ एम मैं कंटिन्यूस में बनाऊंगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सभी को आता है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रेफरेबली यूज करेंगे हम लोग। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एन जी के साथ लगाया और कॉन्टिन्यूस में इसको ले गए। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, यू विल कम होम, और वी आर राइटिंग लेटर्स। दिस वे आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या करना है, मैंने ये चार सेंटेंसेस बनाए हैं। आपने भी चार सेंटेंसेस के, नहीं कि इन्हीं सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट को उठा के चार सेंटेंस बनाने हैं। आप ये भी सेम रख सकते हो, आप ये भी सेम रख सकते हो। आपने ये वाला जो पोर्शन है इसको वेरी करना है, इसको चेंज करना है। वर्ब और ऑब्जेक्ट बेटा आपका चेंज होगा। फिर हम क्या करेंगे? वील गो टुवर्ड्स नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है आपको वैसे भी पता है, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं। किसी का नेगेटिव रिप्लाई आया, किसी का नहीं में रिप्लाई आया। जैसे आजकल आप बोलते हो ना कि कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट है, मीन्स कि उसको कोरोना नहीं है, तो वो रिपोर्ट नेगेटिव है। सो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, आपको बेटा ये पता होना चाहिए नॉट कहाँ लगता है। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में लगता है, जहां नहीं का यूज होगा। फिर आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद आपका फुल स्टॉप, लाइन कंप्लीट आ जाएगी। सिंपलेस्ट वे में कर रहे हैं हम लोग इसको। अब ऊपर वाला हमने एफर्मेटिव उठाया, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, ऊपर था आई एम लर्निंग इंग्लिश। पॉजिटिव में दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यू विल नॉट कम होम, वी आर नॉट राइटिंग लेटर्स। इसमें भी आप बच्चे यही करोगे, जो ये चार सब्जेक्ट हैं आई, दे, यू, वी, और ये वाले जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, आप इन्हीं को दो, इन्हीं को यूज करके आप क्या करोगे, नॉट वाले सेंटेंस बनाओगे। लेकिन आप क्या करोगे, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आपने चेंज करना है, क्योंकि वर्ब तो काउंटलेस हैं। वर्ब्स तो आप जैसे मर्जी कोशिश करो, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नन इज गोइंग टू स्नब यू, कोई डांटने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। बस आप अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए अगर करोगे, मिस्टेक्स होंगी, इम्प्रूव हो जाएंगी। बट अगर आपको मिस्टेक्स ही पता नहीं लगेंगी तो क्या होगा, यू विल बी इन ट्रबल। फाइनल मैच नहीं खेलते हैं, पहले रिहर्सल जरूरी होती है, उसमें मिस्टेक्स पॉइंट आउट होती हैं आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें। तो ये हमारी प्रैक्टिस है, फाइनल मैच अभी दूर है। सो दो पार्ट्स हमने डिस्कस किए सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के, वन वॉज पॉजिटिव, अदर वन वॉज नेगेटिव। नाउ लेट अस हमने क्या डिस्कस किया, पॉजिटिव, नेगेटिव, यानी कि एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके रूल्स भी थोड़े से डिफरेंट है। इसमें आप क्या करोगे, आपने एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फिर आपने हेल्पिंग वर्ब को आगे मूव किया, एरो से दिखा रही हूं, और आप सब्जेक्ट को ले आए पीछे। अब क्या हो गया स्ट्रक्चर आपका, ये आ गया स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। आपने साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है, जिसको आप क्वेश्चन मार्क भी बोलते हो। फर्स्ट सेंटेंस वॉज आई एम लर्निंग इंग्लिश, वॉट डिड वी डू, हमने क्या किया, एम आगे और आई को पीछे ले आए, तो एम आई लर्निंग इंग्लिश। एक चीज का ध्यान रखना है, आई ऑलवेज रिमेन्स कैपिटल, और एम कैपिटल क्यों हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ड है सेंटेंस का, ठीक है। और इंग्लिश जो है ये नाउन है, लैंग्वेज को इंडिकेट कर रहा है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क लगा। नेक्स्ट वॉज दे वो प्लेइंग क्रिकेट, चेंज करो,
दे पीछे लाओ, वो को आगे ले जाओ, वो दे प्लेइंग क्रिकेट, दे का टी स्मॉल रहेगा, डब्ल्यू कैपिटल होगा. विल यू कम होम, यू स्मॉल, डब्ल्यू कैपिटल. यू विल कम होम को चेंज किया. इन द सेम वे आर वी राइटिंग लेटर्स, वी व्हाट डिड वी डू, आ को आगे ले गए और वी को पीछे किया. अब क्या हुआ कि जो आ का ए आर ई का ए कैपिटल रहेगा, डब्ल्यू ई का वी स्मॉल हो जाएगा. फाइन, ये तो था सिंपलेस्ट वे में हमने जो चेंज किया. व्हाट डिड वी डू, प्रेजेंट आपने अब किया अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तीन सेंटेंसेस आपने किए, सेंटेंसेस आपने किए टाइप के. ये फोर्थ का है वैसे तो, लेकिन इसको हम इंक्लूड करते हैं इंट्रोगेटिव में. सो व्हाट इज इट, इट इज डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस हैं ये. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनोगे जनरली ये बोलने में लोग जो है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं. विच मीन्स कौन सा, डब्ल्यू एच लगा है, व्हेन कब, व्हाई क्यों, वेयर, हुम, हुज, हु, हाउ, व्हाट, ये सारे के सारे आपके डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस हैं. सो वॉट यू विल डू नाउ, लेट अस सी विच इज योर फेवरेट स्टोरी, आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है, कौन, ये क्वेश्चन में लगा है. व्हेन आर यू कमिंग हेयर, आप यहाँ कब आ रहे हो. व्हाई आर दे शाउटिंग, वे क्यों चिल्ला रहे हैं. वेयर आर यू गोइंग, क्या किया हमने, डब्ल्यू एच टाइप पहले लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब, ये ऊपर वाला ही जो स्ट्रक्चर था वो उठाया और सब्जेक्ट को हम पीछे ले गए. ये देखो, सब्जेक्ट पीछे, हेल्पिंग वर्ब आगे और डब्ल्यू एच उससे आगे. हुम आर यू वेटिंग फॉर, आप किसका वेट कर रहे हो, ये लिविंग बींग के लिए लगता है, देखो रेड पेन से लिखा है मैंने साथ में. हुज इज दिस बुक, किसकी बुक है, लिविंग के लिए. हुज योर फ्रेंड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, कोशिश करना है ऐसे ना लिखो, खोल के लिखो. हु इज योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड कौन है. एंड हाउ इज हर हेल्थ, उसकी हेल्थ कैसी है या वह कैसा है. बोथ वेज हम लोग इसको यूज करते हैं. अब देखो, अगर डब्ल्यू एच टाइप वर्ड सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंस ना हो और पॉजिटिव सेंस हो तो मीनिंग कैसे चेंज होता है. लेट मी टेल यू दैट थिंग ऑल्सो, कैसे चेंज होगा. इन पॉजिटिव सेंटेंसेस व्हेन कब का हो गया, जब, वेयर जहां, जैसे व्हेन आर यू कमिंग होम और आई विल गो देयर व्हेन यू इनवाइट मी, और वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग वेयर माय पेरेंट्स लिव. व्हाई दैट, आई प्रेफर कॉफी, दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग, इसलिए. हुज किस, जिसका, दिस आई, सो इसका जो सेंटेंस बनेगा, हुज इज दिस कॉपी, तो ये किसकी कॉपी है, ये जिसका सेंटेंस में यूज होगा. विच मीन्स जो कि, आई प्रेफर फ्लावर विच इज लाइंग देयर, कि जो फूल वहां पे पड़ा है मैं उसको प्रेफर कर रहा हूँ. ये आपके तीन टाइप के सेंटेंसेस से. चौथा जो आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे. नेगेटिव इंट्रोगेटिव में व्हाट विल यू डू, अब आपका इंट्रोगेटिव भी आएगा, नॉट भी आएगा, डबल रूल लगेगा. तो पहले तो आप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाओगे कैसे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में आपका नॉट लगेगा, जो मैंने नेगेटिव में रूल बताया था. दो रूल लग गए ना इसमें. अब जो आपके सेंटेंसेस हम शुरू से बना रहे थे, जो मॉडल सेंटेंस उठाए थे, आई एम लर्निंग इंग्लिश वॉज पॉजिटिव, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश वॉज नेगेटिव, एम आई लर्निंग इंग्लिश वॉज इंट्रोगेटिव, नाउ इट इज एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव. सेम इज द केस हेयर विद दीज थ्री सेंटेंसेज, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, विल यू नॉट कम होम, आर वी नॉट राइटिंग लेटर्स. सो आपके लिए मैं एक सेंटेंस बता रही हूँ, आप लोगों ने क्या करना है आज. एफर्मेटिव को ए लिखना है, नेगेटिव को एन लिखना है, इंट्रोगेटिव को आई लिखना है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव को एन आई लिखना है. ठीक है, आप एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे, उसको नेगेटिव में चेंज करोगे, इंट्रोगेटिव में लेके जाओगे और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में लेके जाओगे. और इस तरह के आपने जो है कम से कम 5 सेंटेंस और मैक्सिमम आपने 10 सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देनी है. डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना लर्न करना चाहते हो ये आप जानते हो. अगर आपको लगता है इट इज इम्पॉर्टेंट तो आप करोगे, नहीं लगता है तो फिर ये जो आप करते हो ना ट्राई कि मैं कहीं भर्ती में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, मेरा सपना है आर्मी में जाने का, फोर्सेज में जाने का, मेरा सपना जॉब करने का है, तो जहां जहां आप जाओगे ना ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी. और यू विल श्योरली बी इन ट्रबल, देन यू विल रियलाइज कि व्हाट डिड वी डू, हमने अपने करियर को कहां पहुंचा दिया है. तो इंग्लिश लैंग्वेज को फर्स्ट सेकंड ईयर में इंट्रोड्यूस करने का एक ही मोटिव है कि यू शुड बी एबल टू
लर्न, यू शुड बी एबल टू राइट, यू शुड बी एबल टू रीड एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. समझ आना चाहिए, पता लगना चाहिए. तो आप लोगों को जो आज मैंने काम दिया है, ये सिर्फ 10 मिनट का काम है. आप मेरा वीडियो देखोगे और उसके बाद क्या करोगे, उन चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करोगे. जहां प्रॉब्लम आएगी आप मुझे मैसेज करोगे, आई विल रिप्लाई अकॉर्डिंगली. सो गुड डे.